जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी वर्कआउट करने का टाइम आता है उससे आधे घंटे पहले मन करता है कि वर्कआउट ना किया जाए? मैंने आज तक सिर्फ नी पुशअप्स किए हैं, एक भी पुशअप नहीं किए हैं। तो 100 बीमारियों का घर है इतना वेट। यस, बट 450 जरूरी नहीं है ब्रेकफास्ट में खाना, अभी वेट लॉस करना है। It's a beautiful number. It's a number of new beginnings, intuition, creativity, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैंने ये number अपनी weighing scale पे देखा ना, मेरे तोते उड़ गए भाई साहब। 130 किलो? I mean really Rajan? Really 130 kgs and you think it is a joke? मेरा नाम है राजन, AKA फ्लफी बॉय। मतलब फ्लफी बॉय हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, मोटे फ्लफी बॉय। इतना वेट देख के भाई साहब मेरी फट गई, मुझे समझ में नहीं आया करना तो करना क्या है, इतना वेट के साथ चलेंगे कैसे, आगे जाएंगे कैसे, 100 बीमारियों का घर है इतना वेट। मैंने डिसाइड किया, अपने ट्रेनर को और अपने डाइटिशियन को कॉल किया, उनके साथ मिलकर प्लान बनाया जिस प्लान के तीन फंडामेंटल्स थे, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। ट्रेनिंग मेरी खराब थी, न्यूट्रिशन मेरा खराब है, स्लीप 12 घंटे सुला लो। राठौर बाजी, राजन बाजी, वेल इट्स टाइम आई इंट्रोड्यूस यू टू द गाइज हु आर गोइंग टू हेल्प मी इन दिस जर्नी। जो लोग मेरी इस जर्नी में बहुत बुरी तरह से मेहनत करने वाले हैं, मेहनत मैं करने वाला हूं, मदद करने वाले, अभिमन्यु सिंह राठौर, ये ट्रेनर है, लॉयर है और राजन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी। फिटनेस सर्टिफिकेशन इसके पास कितने हैं ये मैं आपको बताऊं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस जर्नी में मेरा साथ देंगे अभिमन्यु सिंह राठौर। नंबर टू, न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियन, क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बोथ, डॉक्टर हजरा पटेल। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी रिसर्चेस, सारी स्टडीज को के बारे में अपडेटेड रहती है, तो इनसे डाइट का ज्ञान लेंगे, राठौर पाजी से एक्सरसाइज का ज्ञान लेंगे, देखते हैं बात किधर जाती है, देखते हैं भाई साहब क्या वर्कआउट है। हाँ, तो अब बम ये फूटने वाला है आप पे कि आज जो आपका स्क्वाटिंग सेशन है जिसमें आप 25 रेपिटेशंस के सेट करने वाले थे, उसकी जगह आज आप, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस को आप हमेशा सुपरसीड करते हो, तो इस वजह से आज आपको नहीं करते हो, सुपर सीट नहीं करते हो, इसीलिए आपको आज 25-20 की जगह, सॉरी 25 की जगह आपको 30 स्क्वाट्स करनी है। यस बॉय, एंड वी विल स्टार्ट इन। I want you to attempt. I'm not telling you to do them. It's not compulsive. Okay. But I want you to attempt 10 fucking push-ups. मैंने आज तक सिर्फ knee push-ups किए हैं, एक भी push-up नहीं किया है। And push. And push. Yes, boy. No. Okay. Just remember that your body should be between your hands. अजी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी वर्कआउट करने का टाइम आता है उससे आधे घंटे पहले मन करता है कि वर्कआउट ना किया जाए? यार ये नेचुरल नहीं है ना वर्कआउट करना, गाय भैंस तो नहीं करती वर्कआउट, बकरी तो नहीं करती, इंसान ही करते हैं। दिस वी आर क्रिएटिंग अ फोर्स्ड एनवायरनमेंट, करेक्ट, this is a not a natural pressure to do the workout, you are doing it
You're creating a forced environment. But wow. That is how we roll. That is how we do it. We do it. ऐसे ही हैं हम. क्या हैं? जिद्दी हैं. दूसरे से तेज होने के लिए रोज दौड़ना पड़ेगा. Alright, buddy. Alright. यही बस सुनना था मेरे को भी. पहले मैं लंच में जब खाता था छोले भटूरे पिज्जा इसके नीचे नहीं खाता था मैं. Now change the game. Clean eating. और बेटर हो जाएगा एकदम से. मैं बहुत क्लीन नहीं हो सकता. दिस इज प्रीटी मच क्लीन ओनली. हिंदुस्तानी फूड बहुत क्लीन होता है. तो तुम ये पूरा सही है लेकिन अब तो यू हैव टू कट बेसिकली यू हैव टू रिमूव कैलोरीज फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग. एज यू प्रोसीड यू कैन नॉट बी टेकिंग सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लाइक टुवर्ड्स योर गोल. ओके एज यू आर नियरिंग टुवर्ड्स योर गोल एंड एज यू आर यू नो प्रोग्रेसिंग यू जस्ट कैन नॉट हैव द सेम कैलोरी. जैसे ब्रेकफास्ट में यू आर टेकिंग 450 कैलोरीज राइट. अब यू आर टेकिंग करंटली ब्रेकफास्ट इज 450 लंच इज 350 अराउंड 100 एंड ऐसा करके. यस बट 450 जरूरी नहीं है ब्रेकफास्ट में खाना. अभी वेट लॉस करना है तो यू कैन सफाइस ऑन 350 आल्सो इन ब्रेकफास्ट. आई हैव नो एनर्जी आई एम टायर्ड बट आई हैव टू गो फॉर अ इवनिंग रन सो व्हाट टू डू. Here is the solution, guys. Anji, black coffee पीजिए आप. ऐसा कुछ नहीं होता है. धीरे धीरे एनर्जी किक इन करती है और उसके बाद आप यू कैन गो फॉर अ गुड वॉक और रन. ठीक है. ऑलरेडी 3 किलोमीटर चल चुका हूँ. ब्रिस्क वॉकिंग है. हाथ फेंक फेंक के करता हूँ जैसे आपने देखे होंगे पार्क में अंकल लोग करते हैं. मज़ा उसी का आता है. एक्टर हूँ तो ऑब्जर्वेशन भी है और वर्कआउट भी है. डिनर सैलेड मुश्किल होता है बट रनिंग के बाद भी लगती है वही है. सही ट्रेनिंग कर ली सही खाना खा लिया सब कुछ सही कर लिया. सही में और मुझे क्या चाहिए. मुझे चाहिए आपके कमेंट्स आपकी गाइडेंस आपका नॉलेज. हाँ दो अच्छे लोग हैं मेरे साथ लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं पड़ सकता. 130 केजी से 123 पॉइंट समथिंग तक आया हूँ. ये कोई मजाक नहीं है. कोई मजाक नहीं पर ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है. बड़ी बात हम आगे क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट गोल इज टू गो फ्रॉम 123 पॉइंट समथिंग टू 118. हाउ विल आई डू दैट. आई विल शेयर दैट विद यू. आई विल शेयर माई जर्नी विद यू. आई नीड योर लव. लव दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस. आई नीड योर लव. आई नो इट डजंट साउंड राइट आई एम सॉरी या बट कीप सपोर्टिंग मी गाइस एंड सी यू इन एपिसोड 2. Thank you.